अस्सलाम वालेकुम, मैं अजीम एक सोशल वर्कर हैदराबाद जुबली हिल्स हलके से बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ तेलंगाना के तमाम इमाम और मौजन के वास्ते है और तमाम मस्जिदों की कमेटी के वास्ते बात मैं बोल रहा हूँ कि मेरी कुछ गैर मुस्लिम कमेटियों से बात हुई तो पता चला कि हुकूमत उन्हें सहूलतें फराहम कर रही है। अब बताइए यहाँ पे हमारे मुस्लिम कमेटियों को गवर्नमेंट से किन चीजों की सहूलतें मिल रही है। तो पता चला मेरे जानने वाले हाफिज हैं और कई मेरे दोस्त हैं, उनसे मैंने बात की तो पता चला कि कुछ भी हमें सहूलत नहीं सिवाय 5,000 के, वो भी 2 महीने में 3 महीने में एक बार मिलते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं कि क्यों ना एक ऐसी आवाज हम लोग पूरे जुड़े और एक ऐसी आवाज बने ताकि हुकूमत तेलंगाना तक हमारी आवाज को पहुंचाए। हमारे तमाम मुसलमान भाइयों का काम है कि अगर हमारी मस्जिद के अगर इमाम और मौजन को अगर हम मजबूत नहीं बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी का हमारी सोचिए क्या होगा। वो इमाम जिसकी तनख्वाह 12,000 रुपये 15,000 रुपये है, वो इमाम जो आपके लिए सुबह शाम मस्जिद में खिदमत गुजार रहा है उसकी तनख्वाह वो है। अब ऐसे कई हाफिज बनकर इमामत कर इमामत में तनख्वाह कम है बोलकर वो छोड़कर दूसरे कारोबारों में चल रहे हैं। कभी कोई फ्रूट की मंडी लगा लिया, कोई ऑटो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सोचने वाली बात है। मेरी देखने वाले तमाम भाई और बहनों से ये गुजारिश है, अगर बहनें देख रही हैं तो अपने शोहर को बोलिए, भाई को बोलिए, वालिद को बोलिए और ये वीडियो जहां तक हो सका वहां तक पहुंचाइए, बल्कि मेरा वीडियो अपने स्टेटस पर लगाइए ताकि आने वाले लोगों को, आपके जो देखने वाले लोगों को इस चीज के बारे में शऊरदारी हो कि हम लोग हमारे इमाम और हमारे मौजन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं तमाम इमाम और मौजन बल्कि मस्जिद की कमेटियों से मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो कोई भी मेरा ये वीडियो देख रहा है कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने एरिया का नाम, अपनी मस्जिद का नाम और अपने जो हलके का नाम है वो नाम लिखकर, अपना फोन नंबर लिखकर मुझ तक इस कमेंट बॉक्स से पहुंचाइए। इंशाल्लाह मैं इसका एक ग्रुप बनाकर, तमाम इमाम और मौजन का ग्रुप बनाकर इंशाअल्लाह मैं हुकूमत तेलंगाना से ये बात मैं उनके पास रखूंगा और आपकी जो आवाज़ है पहुंचाऊंगा, जो सहूलतें हैं इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको मिले। भीख में नहीं, एक महीना मिले, दूसरे महीने में नहीं मिले, ऐसा नहीं। तमाम सहूलतें होना हमारे को हज हाउस में, बल्कि हमारे वक्फ बोर्ड की जमीनों से रेवेन्यू से इतना हमें इनकम होती है हुकूमत को, मगर कि उसका अमाउंट कहाँ जाता, किस जगह जाता, हमारे फायदे को, हमारा मतलब जो पुराने जो बड़े लोग गुजरे हैं वक्फ के लिए जो जमीन छोड़ रहे हैं वो क्या हमारे लिए फायदेमंद हो रहे हैं, नहीं खाली हुकूमत खा रही है। कोई भी हुकूमत हो, चाहे वो बीजेपी हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस हुकूमत हो, चाहे कोई भी हुकूमत हो, तो मैं चाह रहा हूं प्लीज आपका नंबर मुझ तक पहुंचाइए। पूरे तेलंगाना में जितने भी मस्जिद है, मस्जिद की कमेटियां हैं, इमाम है या मौजन है, मुझ तक पहुंचाइए। इंशाअल्लाह हम इस मसले पर बात करेंगे हमारे एडवोकेट साहब से और हमारे तमाम जो दीगर में कमेटी है उनसे बात करूंगा और पूरों की आवाज को एक जगह करेंगे, करकर आगे बढ़ाएंगे। ना इसमें बरेलवी, ना सुन्नी, ना अहले हदीस, ना तबलीग, ना कुछ नहीं, पूरे इमाम और पूरे मौजन के वास्ते बोल रहा हूं मैं। आप बात को याद रखिए, अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तो हम टुकड़ों में रहेंगे, फिरकों में बटे हुए रहेंगे, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। खुदा ना, अब इन चीजों को छोड़िए और देखिए, अपने आप पे नजर डालिए कि आज हम कब पहले कहां थे, आज हम कहां पे थे, कहां पे हैं। हमारे यहाँ पे हिस्ट्री में लिखा गया है कि हम 1100 साल हुकूमत करें, 2 रकात नमाज पढ़कर हमने समंदरों पे घोड़े चढ़ा दिए, आज हम टुकड़ों में फिरकों में बढ़ गए। तो मेरी गुजारिश है इस वीडियो को सुनने वालों से कि आगे तक बढ़ाएं और इस वीडियो को रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि अपने स्टेटस पर लगाएं ताकि हमारे कौम के जो पिल्लर हैं वो मजबूत हैं, मजबूत होना चाहिए, आने वाली नस्लें हमारी मजबूत होना चाहिए।
इंशाल्लाह मैं फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।